Hello friends, we continue discussion on JAIIB MCQs relating to principals exam held in November 2018. Aur ye raha hamara next prashan. Financial exclusion is the major challenge in Indian banking. What exclusions are included in financial exclusion? So yahan pe hum baat kar rahe hain financial inclusion ki nahi, financial exclusion ki. So financial exclusion इंडियन बैंकिंग के लिए एक बड़ा चैलेंज है और इसमें किस प्रकार का एक्सक्लूजन इंक्लूड होता है. सो दो तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज आर नॉट मेड अवेलेबल टू पीपल इन द अनबैंक्ड एंड पुअर एरियाज. सो पुअर पीपल को अनबैंक्ड एरिया में जब फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल नहीं करवाई जाती तो देन दैट इज फाइनेंशियल एक्सक्लूजन. एंड सेकेंडली जब ये फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर तो की जाती हैं बट नॉट एट अफोर्डेबल कॉस्ट, जिसके कारण वो रूरल पीपल पीपल इन अनबैंक्ड एरिया उन सर्विसेज को अवेल नहीं कर पाते. सो दैट आल्सो इज फाइनेंशियल एक्सक्लूजन. अंडर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम द फार्मर्स पेइंग प्रॉम्प्टली बिफोर वन ईयर ऑफ अवेलिंग शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन द नेट इंटरेस्ट चार्ज्ड इज. सो वो फार्मर जिनको हमने क्रॉप लोन दिया है अगर वो पे कर देते हैं प्रॉम्प्टली ऑन ड्यू डेट तो उनको एक्स्ट्रा सबवेंशन अवेलेबल है, एक्स्ट्रा सब्सिडी अवेलेबल है. और एक्स्ट्रा सब्सिडी अवेलेबल होने के बाद जो उनका नेट इंटरेस्ट बनेगा दैट विल बी 4%, बिकॉज 7% इज द इंटरेस्ट रेट विच विल बी चार्ज फ्रॉम फार्मर और 3% दैट इज एडिशनल सब्सिडी बिकॉज ऑफ दिस प्रॉम्प्ट पेमेंट. सो 4% पर एनम दैट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फार्मर को अल्टीमेटली पे करना होगा आफ्टर अवेलिंग दिस एडिशनल सब्सिडी. केवाईसी फॉर ओपनिंग ऑफ स्मॉल अकाउंट हैज बीन सिंप्लीफाइड फॉर दोज पर्सन्स नॉट हैविंग ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स ओवीडी. व्हाट आर द कंडीशंस एप्लीकेबल टू द अकाउंट. सो वी आर टॉकिंग हियर अबाउट फीचर्स ऑफ स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट. सो स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट के तीन इंपॉर्टेंट फीचर हैं, मैक्सिमम बैलेंस 50,000, टोटल क्रेडिट इन वन ईयर मैक्सिमम 1,00,000, मंथली विड्रॉल मैक्सिमम 10,000. सो दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस टाइप ऑफ अकाउंट. करंट अकाउंट होल्डर आस्क्स द बैंक टू रिटर्न ओरिजिनल चेक्स इश्यूड बाय देम एंड पेड बाय बैंक. व्हाट शुड द बैंक डू. सो एक करंट अकाउंट होल्डर ने बैंक को रिक्वेस्ट किया कि जो चेक उसने इश्यू किए और बैंक ने पे किए वो उसको वापस दे दिए जाएं. तो इस परिस्थिति में बैंक क्या करेगा. फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45Z ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बैंक इन चेकों की एक कॉपी सर्टिफाई करके अपने पास रखेगा और उन चेक्स को रिटर्न कर देगा. और उस केस में उन चेकों को प्रिजर्व करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट विल शिफ्ट टू द कस्टमर. Leasing and हायर purchase business is mostly handled by whom? So जो leasing का business है, हायर purchase का जो business है वो आमतौर के ऊपर non-bank finance companies handle करती हैं. So it is handled by non-bank finance companies. Hypothecation of vehicles of a company should be registered with. अगर एक company एक vehicle purchase करती है और उसके लिए bank hypothecation का चार्ज क्रिएट करवाता है अपनी फेवर में तो इसका रजिस्ट्रेशन कहां पे होगा. फ्रेंड्स दिस रजिस्ट्रेशन टेक्स प्लेस एट टू प्लेसेस. वन कंपनी लॉ के अनुसार इट इज विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. इन एडिशन व्हीकल रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन करने वाली अथॉरिटी है तो उसके साथ भी किया जाएगा. डेटा एनक्रिप्शन मीन्स. सो एनक्रिप्शन मीन्स डेटा को कोडिंग कर देना ताकि ट्रांसमिशन के दौरान इसको कोई पढ़ नहीं सके, इसको कोई मैनुपलेट नहीं कर सके. सो इट इज कोडिंग ऑफ डेटा बिफोर ट्रांसमिशन ऑन ए नेटवर्क सो दैट इट कॉड नॉट बी आल्टर्ड. इसको पढ़ा नहीं जा सके तो इसको बदला नहीं जा सके. सो दैट टेक्नोलॉजी और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डेटा एनक्रिप्शन. सर्वेक्षण इन मार्केटिंग मीन्स. मार्केट में सर्वेक्षण का मीनिंग क्या होता है. फ्रेंड्स सर्वेक्षण इज
of combination of two words, service and production. According to this concept, the production of services is through interaction between the service provider and the service user. तो जो सर्वक्षण का प्रोसेस है ये इंटरैक्शन के द्वारा है और वो इंटरैक्शन है सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस यूजर के थ्रू. सो इसकी सिंपल एग्जांपल हम दे सकते हैं, ए लेक्चर गिवन बाय द टीचर एंड वेयर स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग. सो सर्विस प्रोवाइडर भी जिसमें पार्टिसिपेट करता है और सर्विस यूजर भी जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो इंटरैक्शन है जिससे वो सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सर्वक्षण. मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट अंडर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन पीएमईजीपी इज प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. इसके अंदर जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है 25 लाख एंड सर्विस एंड बिजनेस सेक्टर के लिए है 10 लाख. सो 25 लाख फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड मैक्सिमम 10 लाख फॉर सर्विसिंग एंड बिजनेस सेक्टर. इन गैप एनालिसिस अंडर कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट द फिफ्थ गैप इज. सो जो गैप एनालिसिस है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के अंदर, सो जो सर्विस प्रोवाइडर है दे ट्राई टू फाइंड 5 टाइप ऑफ गैप्स. उस गैप की 5 स्टेजेस हैं या वो गैप 5 तरह के हैं, तो इसमें 5वां गैप कौन सा है. द फिफ्थ गैप इज द फाइनल गैप बिटवीन एक्सपेक्टेड सर्विस एंड परसीव्ड सर्विस. जो एक्सपेक्टेड सर्विस है और जो परसीव्ड किया जाता है कस्टमर के द्वारा, दोनों के बीच में जो गैप है, तो वो गैप 5वां गैप है एंड इट इज रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट 4 गैप्स. मैसलोज थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स कवर्स. जो मैसलो की थ्योरी है हायरार्की ऑफ नीड्स की, वो किसको कवर करती है. सो 5 टाइप की नीड्स को वो कवर करती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को. ब्रांच हैज नो वेकेंट लॉकर्स. इफ वन ऑफ द लॉकर इज वेकेटेड द प्रायोरिटी विल बी गिवन टू हूम. सो ब्रांच के पास प्रेजेंटली वेकेंट लॉकर नहीं है. अगर कोई लॉकर खाली होता है तो उसको अलॉट करने में प्रायोरिटी किसको दी जाएगी. सो द प्रायोरिटी विल बी अकॉर्डिंग टू द वेट लिस्ट नंबर गिवन बाय बैंक टू द कस्टमर जो लॉकर लेना चाहते हैं. सो वेट लिस्टेड कस्टमर जिसका नंबर सबसे पहले है, जिसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो ये अलॉट कर दिया जाएगा लॉकर उस कस्टमर को जिसका वेट लिस्ट में सबसे पहले नंबर आता है. What type of education loans are classified as priority sector advance? Education loan for education in India and education outside India, दोनों ही तरह के loans को priority sector में classify किया जाता है, लेकिन there is a condition. Maximum amount up to 10 lakh out of sanctioned loan that can be classified as priority sector. So this loan can be education in India also. The loan can be outside India also, लेकिन maximum amount within the sanctioned limit 10 लाख रुपए तक है जिसको हम classify कर सकते हैं as priority sector advance. Corporate websites of banks offer which type of service? So जो बैंकों की corporate websites हैं जो normally services provide करते हैं in present day context, so वो fully transactional websites हैं और वो क्या क्या प्रोवाइड करती हैं. कस्टमर के द्वारा डिफरेंट ट्रांजेक्शंस का इंस्ट्रक्शन सबमिट करना, डिफरेंट ट्रांजेक्शंस के लिए एप्लीकेशन सबमिट करना, बैलेंस एनक्वायरीज, ट्रांसफर ऑफ फंड्स एटसेट्रा. तो जो प्रेजेंट सेट है वेबसाइट्स का, कॉर्पोरेट वेबसाइट्स का, बैंकों का, तो वो फुल्ली ट्रांजेक्शनल वेबसाइट्स हैं जो ये सारी सेवाएं प्रोवाइड करती हैं. लोन अप टू विच लिमिट कैन बी क्लासिफाइड एज एग्रीकल्चर लोन. If loan is given to corporate farmers or companies of individual farmers or cooperatives engaged in agriculture and allied activities. So, agar hum ye loan non-corporate farmers ko dete hain, to then there is no limit on that. But when this loan is given to corporate farmers, then maximum is restricted to rupees 2 crore. The probability of non-payment of interest charged and installment due in the account is what risk. So the possibility of non-payment
of due amount. So that is called default risk in credit risk category. So broadly it is a credit risk, but within credit risk, because it relates to default, so hence it is called default risk as part of credit risk. What are the names of credit information companies? So India mein char credit information companies hain aur inke naams hain, number 1 CIBIL TransUnion, then Equifax, then Experience, and one is CRIF Highmark. So ye char credit information companies hain. Two minor twin brothers want to open account in their joint names. What can be the mode of operation? दो ट्विन ब्रदर्स हैं जो चाहते हैं उनके ज्वाइंट नाम में अकाउंट खोला जाए, तो मोड ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगा? फ्रेंड्स, इस प्रकार का अकाउंट नहीं खोला जा सकता. सो ज्वाइंट अकाउंट ऑफ टू माइनर्स कैन नॉट बी ओपन्ड. सीजीटीएमएससी गारंटी कवर फॉर ₹75 लाख एमएससी लोन इज. एमएससी का अगर वो लोन है 75 लाख उसका अमाउंट है, तो सीजीटीएमएससी का जो गारंटी कवर है वो कितने परसेंट है? सो दैट इज 75% ऑफ अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट. अगर ये लोन माइक्रो एंटरप्राइज को हो अप टू 5 लाख, तो देन कवर अवेलेबल इज 85%. बट व्हेन दिस अमाउंट इज मोर देन 5 लाख, तो देन कवर अवेलेबल इज 75% अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट का. डीवीपी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी मीन्स, सो डीवीपी का फुल फॉर्म है डिलीवरी वर्सेस पेमेंट. सो दिस मीन ट्रांसफर ऑफ फंड्स एंड डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज इट विल टेक प्लेस साइमल्टेनियसली. सो दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड डीवीपी. बैंकिंग ऑम्बड्समैन चार्जेस हाउ मच अमाउंट फॉर कंपनसेशन ऑफ लॉस ऑफ कंप्लेनेंट्स टाइम हैरेसमेंट मेंटल एगनी एटसेट्रा. सो बैंकिंग ऑम्बड्समैन चार्ज नहीं करता, दे सकता है कस्टमर को. सो हाउ मच अमाउंट कैन बी अलाउड एज कंपनसेशन टू द कस्टमर बाई बैंकिंग ऑम्बड्समैन फॉर कंप्लेनेंट्स टाइम जो उसने स्पेंड किया, जो उसको हैरेसमेंट हुआ, जो उसको मेंटल एग्नी हुई. नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में दिस कंपनसेशन अमाउंट कैन गो अप टू ₹20 लाख, बट फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पज, मेंटल हैरेसमेंट के लिए, मेंटल एग्नी के लिए, time and effort spent, so this amount is restricted to ₹1 lakh, and this is additional compensation. Data mining technique helps in, jo data mining ka technique hai wo kis mein help karta hai? It is process of analyzing large data to identify patterns and establish relationship in the data. So data mining ka jo objective hai wo large database hai, large data hai, उसको में से पैटर्न को आइडेंटिफाई करना और उन पैटर्न्स में एस्टेब्लिश करना रिलेशनशिप को. सो दैट इज फंक्शन ऑफ डेटा माइनिंग. हाइपोथिकेशन इज डिफाइंड अंडर विच एक्ट. सो हाइपोथिकेशन का जो डेफिनेशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू सरफेसी एक्ट. सो सेक्शन 2 ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड Enforcement of Security Interest Act Section 2 में Hypothecation को define किया गया है. According to Companies Act 2013, a public limited company should have how many members? So यहाँ पे बात हो रही है public limited company की. In case of public limited company, the minimum number of members should be 7 and on maximum there is no limit. In case of private, it is minimum 2 एंड मैक्सिमम 200. बट क्वेश्चन हमारा है पब्लिक लिमिटेड कंपनी का, वेयर मिनिमम इज 7, मैक्सिमम नो लिमिट. अंडर PMLA 2002, इफ वी फाइंड सस्पिशियस ट्रांजेक्शन देन व्हाट वी हैव टू डू. सस्पिशियस ट्रांजेक्शन का जो रिपोर्टिंग हमने करना है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को, तो रिपोर्ट इज टू बी सेंट विद इन 7 डेज वंस इट इज कंफर्म्ड दैट देयर इज समथिंग दाल में काला. And this report will be sent to Financial Intelligence Unit India. Under LAF, Liquidity Adjustment Facility, reverse repo options of RBI are meant for. So these are meant for sale of securities to banks to reduce liquidity. So reverse repo, it relates to sale of securities by RBI, and repo, it relates to purchase of securities by RBI.
और सेल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है बैंकों में रिड्यूस करने के लिए लिक्विडिटी को. अकॉर्डिंग टू कॉटलर द प्रोडक्ट मीन्स वट. सो ये मार्केटिंग के ऊपर क्वेश्चन है. सो कॉटलर के अनुसार प्रोडक्ट हम किसको कहते हैं? ऐसा कुछ भी जो ऑफर किया जाए जो कस्टमर को अक्वायर करने में, उसको यूज करने में या कंज्यूम करने में महत्वपूर्ण है. सो दैट इज कॉल्ड ए प्रोडक्ट. सो एनीथिंग विच कैन बी ऑफर्ड टू मार्केट फॉर अक्वायरिंग, फॉर यूजिंग एंड फॉर कंज्यूमिंग. सो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट. एंड प्रोडक्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स ऑल्सो, प्रोडक्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज ऑल्सो. वेल फ्रेंड्स, वी शैल कंटिन्यू डिस्कशन ऑन दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर ऑल्सो. थैंक यू.